जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि पटना जंक्शन से ऑलरेडी एक वंदे भारत ट्रेन रांची के लिए चलती है और इसके अलावा पटना जंक्शन से भारतीय रेलवे जल्द ही एक और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने वाली है और इस वीडियो में इसी वंदे भारत का पूरा डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अभी से ही लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, पटना और रांची के बीच में वंदे भारत की शुरुआत होने के बाद पटना जंक्शन से हावड़ा के बीच में भी भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन चलाने की प्लानिंग पर काम कर रही है। और दोस्तों, पटना हावड़ा रूट की बात कर लें तो पटना हावड़ा रूट कोई नया रूट नहीं है, ये काफी ज्यादा पुराना रूट है और इस रूट के सभी लोग इस वंदे भारत का इंतजार काफी पहले से ही कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब इन सभी लोगों का इंतजार भारतीय रेलवे जल्द ही खत्म करने वाली है। दोस्तों, यहां पर हम मीडिया रिपोर्ट की माने तो पटना से हावड़ा के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत का एक्सपेक्टेड ट्रेन नंबर 22303 और 22304 हो सकता है। हालांकि इस पर भारतीय रेलवे अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि यही इसका ट्रेन नंबर हो सकता है। दोस्तों, ये वंदे भारत ट्रेन पटना से हावड़ा के बीच में 531 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी और इसके लिए ये वंदे भारत ट्रेन 6 आवर 30 मिनट के आसपास समय लेने वाली है। और इस वंदे भारत का पटना से हावड़ा के बीच में एवरेज स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, वही मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 130 kmph पर इस ट्रेन को भारतीय रेलवे चला सकती है। दोस्तों, पटना से हावड़ा के बीच में ये वंदे भारत ट्रेन वीक में 6 दिन ऑपरेट हो सकती है, जैसा कि सभी वंदे भारत ट्रेनों के साथ भारतीय रेलवे करती है, वैसे ही इसके साथ भी भारतीय रेलवे करने वाली है और वीक में 6 दिन इसको ऑपरेट करेगी। इस वंदे भारत ट्रेन को ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि ECR ऑपरेट करेगा और इसका प्राइमरी मेंटेनेंस पटना जंक्शन में भारतीय रेलवे कर सकती है। बात कर लेते हैं इस ट्रेन के हॉल्ट के बारे में। तो पटना से हावड़ा के बीच में यहाँ पर कई सारे मेजर स्टेशन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रिपोर्ट की माने तो पटना से हावड़ा के बीच में ट्रेन जसीडीह और आसनसोल जंक्शन पर स्टॉप ले सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पटना से हावड़ा के बीच में इस 531 किलोमीटर की दूरी के बीच में सिर्फ 2 स्टॉप देना सही है या फिर गलत, और इस वंदे भारत ट्रेन का जसीडीह और आसनसोल छोड़ के और कहां कहां हॉल्ट दिया जाना चाहिए, ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, हम बात कर ले पटना और हावड़ा के बीच में अभी चल रही सबसे फास्टेस्ट ट्रेन के बारे में। तो आपको तो पता ही होगा कि अभी पटना से हावड़ा के बीच में सबसे तेज ट्रेन यानी कि सबसे कम समय में पटना से हावड़ा पहुंचने में सबसे पहले हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस का नाम आ जाता है, जिसका ट्रेन नंबर है 12024 और ये ट्रेन 531 किलोमीटर की दूरी यानी कि पटना से हावड़ा पहुंचने में 7 घंटे और 55 मिनट का समय लेती है, यानी कि लगभग 8 घंटे के आसपास ये ट्रेन समय ले लेती है पटना से हावड़ा पहुंचने में। वहीं बात कर ले इसके हॉल्ट की तो पटना से हावड़ा के बीच में इस ट्रेन का 14 हॉल्ट भारतीय रेलवे ने दे रखा है और पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पटना जंक्शन से सुबह 5:30 पर डिपार्चर लेती है और दोपहर 1:25 पर हावड़ा पहुंचा देती है। तो भारतीय रेलवे पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का जो टाइम टेबल है वो इसके ऑपोजिट में सेट कर सकता है और ऐसा करने से पटना हावड़ा वंदे भारत का सक्सेसफुल होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, हम बात कर ले ट्रेवल टाइम की तो जहाँ जनशताब्दी एक्सप्रेस लगभग 8 घंटे का समय लेने के बाद पटना से हावड़ा पहुंचती है, वहीं हमारी वंदे भारत ट्रेन मैक्सिमम 6.5 घंटे में ही आपको पटना से हावड़ा या फिर हावड़ा से पटना पहुंचा देगी, यानी कि यहाँ पर ट्रेवल टाइम में सीधे सीधे अप्रोक्स 1.5 घंटे का कटौती आपको देखने को मिलेगा। और आपको तो पता ही है कि अभी भारतीय रेलवे नए नए रूट को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने का काम कर रही है और अभी तक जितने भी स्टेट में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है वैसे सभी स्टेट्स में वंदे भारत ट्रेन अभी पहुंच चुकी है। और रिसेंटली आपने देखा कि पटना और रांची के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के इनॉग्रेशन को लेकर लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ गया था, लेकिन इस बार पटना से हावड़ा के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन के लिए आप सभी को लंबा इंतजार करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पर रिपोर्ट की माने तो इसका इनॉग्रेशन भारतीय रेलवे काफी जल्दी करने वाली है, लेकिन यहाँ पर बात करें कि जुलाई के महीने में इसका इनॉग्रेशन हो पाएगा या फिर नहीं, तो इस पर कुछ भी यहाँ पर सीधे सीधे कहना अभी गलत होगा। इसके लिए हमें वेट करना होगा कुछ भी ऑफिशियल अपडेट आने का, तभी यहाँ पर चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन उम्मीद है कि काफी जल्दी इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत भारतीय रेलवे करने वाली है और जब भी इसकी शुरुआत होगी इसमें आपको 8 कोच वाला रेक देखने को मिल सकता है और पैसेंजर के रिस्पांस को देखते हुए भारतीय रेलवे इसका जो कोच का संख्या है वो आगे चलकर बढ़ा भी सकती है, यानी कि इसको 16 कोच वाला रेक भी दे सकती है, लेकिन शुरुआती दिनों में इसको 8 कोच वाला रेक ही भारतीय रेलवे देगी। और दोस्तों, बात कर ले पटना हावड़ा रूट की तो ये रूट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है भारतीय रेलवे का और यहाँ पर साल भर पैसेंजर का प्रेशर बना ही रहता है और खासकर फेस्टिवल सीजन में यहाँ पर भीड़ लगभग 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे में इस वंदे भारत की शुरुआत होती है तो इस वंदे भारत को काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। और आपको तो पता ही है कि दुर्गा पूजा आने वाला है और दुर्गा पूजा में कोलकाता जाने के लिए यात्रियों का जबरदस्त भीड़ देखने को मिलता है, क्योंकि कोलकाता का दुर्गा पूजा काफी ज्यादा फेमस है तो वहाँ पर भारी संख्या में यात्री पहुँचते हैं। और ऐसे में इस वंदे भारत की शुरुआत अगर भारतीय रेलवे कर देती है तो इसको जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और भारतीय रेलवे एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएगी इस वंदे भारत ट्रेन के जरिए। बाकी जो मैंने आपको ट्रेन नंबर बताया वो इस वंदे भारत का एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेड ट्रेन नंबर है, तो इसमें आपको चेंजेस भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उम्मीद है कि यही इसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर भी हो सकता है। और आप लोग का भी काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था कि पटना हावड़ा वंदे भारत का अपडेट दीजिए, तो इसको लेकर कोई भी न्यू अपडेट आ ही नहीं रहा था, इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा था। और फाइनली इसको लेकर कुछ नया अपडेट आया जो मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर कर दिया, और उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। और इसको लेकर कोई भी बड़ा अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।